हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर के स्नेहा वर्क। चलो शुरू करें अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सरई गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर जाती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भायली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठा कर स्याहू माता के पास पहुँचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुए पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुए निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। यह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं और 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है। तब स्याहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। शाम के समय जेठानियों आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहन बच्चों को याद करके ना रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे से कहा, जा अपनी चाची के घर जाकर देख कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आईं और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली,
तुमने तो कोक बनवाई नहीं थी, सो मैंने कोक बनवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोक खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोक खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोक खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर यह कहानी सुने। होप यू लाइक दिट गाइज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।